नमस्कार। भारत दिसंबर 2022 को G20 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण करेगा और अगले 12 महीनों में बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित करेगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समग्र विकास एवं विश्व कल्याण की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं तो हम वैश्विक प्रगति की भी परिकल्पना करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड न हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। G20 में हमारा मंत्र है, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। G20 में 19 प्रमुख विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ EU भी शामिल है। G20 के सदस्य सामूहिक रूप से GDP का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और वैश्विक आबादी के 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय समूह में UN सिक्योरिटी काउंसिल के सभी 5 स्थायी सदस्यों के अलावा सभी G7 सदस्य और सभी ब्रिक्स देश शामिल हैं। भारत ने इससे पहले कभी भी इस तरह की अहमियत रखने वाले इतने बड़े एवं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी नहीं की। भारत की अध्यक्षता के दौरान 200 से अधिक G20 बैठकें आयोजित होने की उम्मीद है। इन बैठकों का सिलसिला 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन के साथ समाप्त होगा। बाली पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इंडोनेशिया ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता का बेटन सौंप दिया है। इस महत्वपूर्ण आयोजन को लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, G20 की बैठक एक अवसर है जहां हम भारत की परंपरा और ज्ञान को एक साथ दुनिया को दिखा सकते हैं। अभी दुनिया में कई समस्याएं हैं, लेकिन हम उन्नति करेंगे और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे। जय हिंद।